सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का बिग बॉस का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। दरअसल आज के एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा कि बिग बॉस शिवाशीष से कहते हैं कि तीनों कैदी दीपिका, श्रीसंत और सुरभि को जेल खाने में बंद कर दिया जाए। इसके बाद शिवाशीष उन तीनों को जेल खाने में बंद कर देते हैं और यहाँ पर आकर सुरभि घमासान मचा देती है। वो अपनी बातों से और गाकर श्रीसंत को इरिटेट करती है और यहाँ पर श्रीसंत उनकी बातों से इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आई एम गेटिंग 22.5 करोड़ एंड यू गेटिंग 0। लेकिन सुरभि कहाँ किसी की मानने वाली है, अब वो लगातार श्रीसंत को इरिटेट करती ही रहती है और फिर श्रीसंत इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो कह देते हैं कि बिग बॉस अगर ये लड़की चुप नहीं हुई है ना तो मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन सुरभि तो सुरभि है, वो कहाँ किसी की मानती है। इसके बाद आपने देखा कि वीकेंड का वार की तैयारियों में लग जाते हैं सभी घर वाले और इसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है बिग बॉस हाउस में LED स्क्रीन के द्वारा। इसके बाद सलमान खान एक एक करके घर के सभी सदस्यों से बातें करते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं। तो इसमें सलमान खान श्रीसंत को डांट लगाते हैं कि क्यों इस तरह से वो बिहेव करते हैं, उन्होंने क्यों टास्क को बीच में छोड़ा, उन्होंने क्यों सुरभि पर झूठा इल्जाम लगाया। और इसी झूठे इल्जाम को लेकर सलमान खान जसलीन को भी काफी डांट फटकार लगाते हैं और इस बात को लेकर सुरभि से भी उनकी राय मांगते हैं। और इस पर सुरभि कहती है, श्री जब भी बैकआउट करते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि उन्हें अटेंशन मिले, सब उन्हीं पे फोकस करे। और जब श्रीसंत से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं, नो कमेंट्स। इसके बाद सलमान खान सुरभि से श्रीसंत के लगाए गए झूठे इल्जाम के बारे में पूछते हैं तो सुरभि कहती है, मैं या फिर घर का कोई भी सदस्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उनके घर वाले जो बाहर बैठे हैं उनको हर्ट हो। इसके बाद सलमान खान इस बात को क्लियर कर देते हैं कि श्रीसंत ने जो इल्जाम सुरभि पर लगाया वो झूठा था। इसके बाद सलमान खान जसलीन को भी डांट लगाते हैं कि तुमने भी श्रीसंत की इस झूठ को एक और झूठ के साथ बढ़ावा दिया। इसके बाद आपने देखा कि सलमान खान उर्वशी से बात करते हैं कि तुम्हारा नॉमिनेशन के बाद नाराज क्यों हो तुम इतनी। इसमें उर्वशी और दीपक के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। उर्वशी कहती है कि मुझे पता था कि अगर मैं दीपक के सामने हूं तो मुझे नॉमिनेट होना ही है, लेकिन वो मुझे बदलना चाहते हैं और इसी बात को ये बार बार में उठाते हैं। तो दीपक कहते हैं, सर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन तो होता नहीं है, मैं कोई ना तो एंटरटेनर हूँ ना ही कोई तेज मार खान, मैं बस चाहता हूँ कि ये अच्छा करे, बस जब वो चेंज नहीं होता है तो मुझे बुरा लगता है। तो उर्वशी उनके मुंह पर साफ तौर पर कह देती है कि मैं बदलूंगी नहीं, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। और इसी तरह से श्रीसंत को भी इस बात को लेकर डांट पड़ती है क्योंकि उन्होंने बोर्ड पर लिखे दीपक के नाम पर थूक कर उसे साफ करने की कोशिश की और फिर बाद में अपोलोजाइज किया। क्या ये सही तरीका है कि पहले गलती करो और फिर उस बात की माफी मांग लो। इस दौरान फिर अनूप जलोटा और सुरभि के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि अनूप जलोटा कहते हैं कि सुरभि खून का तिलक लगाती है जो काफी अजीब लगता है, ये लड़की फालतू का ड्रामा करती है, मैंने तो बिग बॉस से यहाँ तक कह दिया है कि मेरा बैड इस लड़की से दूर करो क्योंकि मुझे तो इससे डर लगता है। इस पर सुरभि उनसे कहती है, मुझे तो आपसे डर लगता है कि कहीं ये डिप्लोमेसी का रोग मुझे ना लग जाए। माफ कीजिएगा अनूप जी, मुझे भी आपके व्यक्तित्व के कई रंग पसंद नहीं आते। और इस तरह से उन दोनों के बीच में सलमान के सामने ही आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इस आर्ग्यूमेंट के बीच में सलमान खान को ही उतरना पड़ता है और जैसे तैसे करके सलमान खान इस आर्ग्यूमेंट को शांत करवाते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए Day 34 की हाइलाइट्स, एज इन वीकेंड से हाइलाइट्स ऑफ वीकेंड का वार। अगर आप बिग बॉस सीजन 12 के हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस सीजन 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।